नमस्कार, मैं जन्म शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन और भारत के साथ में संघर्ष चल रहा है, तनाव चल रहा है, पिछले 2-3 महीनों से कोशिशें हो रही थी कि चीन को बातचीत के द्वारा समझा दिया जाए, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मानता। वो कम्युनिस्ट नाम की एक बीमारी से ग्रसित है और उसी के तहत उसने तानाशाही और विस्तारवादी नीति अपना रखी है। इस कड़ी में कल एक बड़ी खबर आती है कि 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिक पेंगोंगसो झील के दक्षिणी इलाके में भारत की सीमाओं की तरफ घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत की LAC के आसपास वो अपनी जो तैनाती है उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसका जवाब भारतीय सेना बड़े ही मजबूत तरीके से देती है, जिसके बाद चीनी सैनिक अपनी जो हद है उसमें वापस भाग जाते हैं। ये दरअसल इसलिए हुआ कि चीन को लग रहा था भारतीय सेना अब इतनी लंबी बातचीत के बाद, बार बार कमांडर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है और ऊपर राजनीतिक स्तर के अलावा राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है, उसके बाद भारत शायद भ्रम में आ गया होगा और 1962 की तरह से भारत की सेना आराम कर रही होगी। लेकिन भारत को पहले से ही पता था कि चीन जो है कितना ज़्यादा कुटिल है, कितना ज़्यादा मक्कार है, और इसीलिए भारतीय सेना चौकन्नी थी। भारतीय सेना ने चीन की सेना के तमाम जो घुसपैठ के कोशिशें थी उनको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। और ये एक आधिकारिक बयान है भारतीय सेना के प्रवक्ता अमन आनंद का। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पेंगोंगसो झील के जो दक्षिणी एरिया है उसमें 29-30 के बीच की जो रात थी उसमें PLA के सैन्य दलों ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य एवं कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की। आगे वो कहते हैं कि भारतीय सैनिकों ने पेंगोंगसो झील के दक्षिणी किनारे पर PLA की गतिरोध को रोकते हुए हमारी स्थिति मजबूत करने के कदम उठाए और जमीनी हकीकत को एकतरफा तरीके से बदलने की चीन की नापाक कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने शांति और स्थिरता कायम करने के लिए चीनियों को दिखा दिया कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है और भारत मजबूती के साथ चीन की हर हरकत का जवाब दे सकता है। तो ये वो कहानी है जिसको लेकर अब देश में फिर से राजनीति शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसकी तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अब ठंड बढ़ती जा रही है, चीन की कोशिशें हैं कि पूरी LAC के आसपास वो तमाम तरीके की गतिविधियां करे और बाद में बीच में कहीं कहीं पर वो घुसपैठ करने की भी कोशिश करे, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से चौकन्नी बनी हुई है। और जिस तरीके से गलवान घाटी में 15-16 जून को जो हुआ था भारतीय सेना के रणबांकुरों ने चीनियों की गर्दनें तोड़कर उनको नियत्य होते हुए जिस तरीके से जवाब दिया था, उसके बाद ये खबरें भारतीय सेना की तरफ से आई थी कि 100 से ज़्यादा चीनी मौत के घाट उतारे गए थे। लेकिन चीन इस बात को मानने को राजी नहीं था और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ भारत की कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने को राजी नहीं थी। कांग्रेस बार बार ये तो कह रही थी कि भारत के 20 जवानों ने बलिदान दिया, लेकिन ये नहीं कह रही थी बलिदान देने से पहले भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जवानों ने निहत्य होते हुए भी चीनियों को किस तरीके से उनकी नानी याद दिलाई थी, उन्हें चीनियों को जमींदोज किया था। लेकिन उस बात का अब सबूत सामने आ गया है। शिनजियांग प्रांत में चीनी सैनिकों की 80 से ज़्यादा कब्रों का फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें स्पष्ट तौर पर चीनी सैनिकों की कब्रें दिखाई दे रही हैं और इनकी संख्या 80 से ज़्यादा है, यानी कि ये वही सैनिक हैं जो गलवान घाटी में मारे गए थे। और उससे पहले चीन के एक नेता ने कहा था, चूंकि चीन में उपद्रव हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, इसलिए शी जिनपिंग और चीन की PLA इस पूरी बात को छुपा रहे हैं कि गलवान घाटी में चीन के सैनिक मारे गए हैं, चीन की सेना का कमांडर भी मारा गया था और उसके साथ साथ तमाम सैनिकों को भी, बिहार रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने जिस तरीके से मारा था उस बात के चर्चे भारतीय सेना में पहले से थे, जिसको लेकर चीन दबाव में था। पहले ग्लोबल टाइम्स ने एक खबर छापी थी, उसको लीपापोती किया गया और ये छुपाने की कोशिश की गई कि चीनी सेना के सैनिक भी मारे गए हैं। लेकिन भारत में जिस तरीके से राहुल गांधी और उसके पूरे के पूरे चमचे इस बात को बार बार कह रहे थे कि चीनियों ने हमारे सैनिकों को मार दिया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि चीनियों ने मारा नहीं, बल्कि चीनियों से संघर्ष करते हुए भारतीय सेना के 20 जवान बलिदान हुए थे, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे जो कि कमांडर थे उस बटालियन के। तो तौर पर भारतीय सेना के जो सैनिकों का पराक्रम है उसके अब सबूत भी सामने आ गए हैं और राहुल गांधी जैसे चीनी चंपुओं को अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि उन्हें भारतीय सेना के आधिकारिक बयान पर विश्वास करना चाहिए, न कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अफवाहों पर।
राहुल गांधी का पूरा काम ही चीनी अफवाहों को भारत में फैलाना है, लेकिन अब जो खबर आई है 29-30 की रात को जिस तरीके से संघर्ष हुआ है, इसमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये संघर्ष हाथापाई के तौर पर हुआ है या गोलीबारी हुई है। वो गोलीबारी की पूरी संभावना है, क्योंकि भारतीय सेना को गलवान घाटी के संघर्ष के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि आपको जो हथियार मिले हैं वो खिलौनों की तरह खेलने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए मिले हैं। और भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने भी बार बार इस बात को कहते रहे हैं, CDS बिपिन रावत भी इस बात को बार बार कहते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 29-30 की रात को जो हुआ है वो खूनी झड़प हुई है, गोलियां भी चली है, हालांकि चीन की तरफ से LAC के आसपास तमाम तोपें भी लगाई गई थी, मिसाइलें भी लगाई गई थी, लेकिन उनका इस्तेमाल इतनी आसानी से चीन नहीं कर सकता है, जिसके जवाब में भारत ने भी अपना तोपखाना वहां पर लगा दिया था और नाग जैसी मिसाइलों को तैनात कर दिया था। उसके अलावा भारत के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर पूरे का पूरे जो एरिया है LAC के आसपास का उसकी निगरानी कर रहे थे, और यही वजह है कि LAC पार करने से पहले ही चीनी सैनिकों को रोक दिया गया और उन्हें बल प्रयोग करते हुए भगा दिया गया। तो सीधे तौर पर यह बड़ी घटना सामने आ रही है, और इसके बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष को शांत करने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही थी वो शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और रामायण की जो चौपाई है रामचरितमानस की कि भय बिन होए न प्रीत, चीन को अब भय दिखाने की जरूरत पड़ेगी, भारत को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ेगी, जबकि चीन पूरी तरीके से LAC के ऊपर बार बार अलग अलग जगहों पर, चाहे देपसोंग का इलाका हो, गलवान घाटी का इलाका हो, या उत्तराखंड का वो लिपुलेख और लिपियाधुरा का इलाका हो, या फिर डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके हो, वहाँ अपनी सेना की तादाद बढ़ाता रहा है। भारत ने भी जवाब में अपनी सेना का जो तैनाती थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। लद्दाख के क्षेत्र में भारत की कम से कम 80 से 90 हजार सैनिक पहले से तैनात हैं, और पूरी के पूरी LAC के ऊपर भारत की कई डिविजन्स तैनात हैं, जिसका सीधा सा संकेत है कि चीन अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत अब सामने आ चुका है कि 29-30 की रात को चीन ने एक चाल चलने की कोशिश की थी, एक हिमाकत करने की कोशिश की थी, जिसका उसे जवाब मिल चुका है। अब निश्चित तौर पर आज चीन के राजदूत का भी बयान आएगा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भी बयान आएगा, और ये सभी ये कहते हुए नजर आएंगे कि भारत को शांति से काम लेना चाहिए। लेकिन शांति के बजाय ये जिस तरीके की घुसपैठ की चीन की आदत है, चीन को लगता है कि भारत में अभी भी जवाहरलाल का शासन चलता है, जो आसानी से चीनी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर आप भारत की सीमाओं को कब्जे में कर सकते हैं, या फिर मनमोहन सिंह जैसे मौनी और कठपुतली प्रधानमंत्री का शासन है, जिसके राज में भी भारत की 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीनों को चीन ने हड़प लिया था। लेकिन चीन भूल गया है कि इस समय भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो मनोज मुकुंद नरवाने हैं, और भारतीय सेनाओं के जो प्रमुख हैं CDS बिपिन रावत हैं। इन लोगों से आसानी से चीन नहीं जीत सकता है, और चीन को हर उसकी हरकत का जवाब दिया जाएगा। इस बार गोलियां भी चलेंगी, और जरूरत पड़ी तो गोले भी चलेंगे, तोपें भी चलेंगी, और मिसाइलें भी दागी जाएंगी। जिस तरीके से चीन की हरकतें बढ़ती आ रही है, भारत उसका जवाब देने के लिए न केवल स्थलीय तौर पर जवाब दे रहा है, बल्कि चीन का जो दक्षिण चीन सागर का इलाका है उस इलाके में भारत ने अपने युद्ध पोत तैनात कर दिए हैं, और चीन की हर गतिविधि पर भारत नजर कर रहा है। उससे पहले जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ में क्वाड बनाया है, उस क्वाड के तहत भी दक्षिण चीन सागर में चीन की हर नापाक हरकत का जवाब दिया जाएगा, हर दादागिरी का, हर विस्तारवादी नीति का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ चीन का तनाव ताइवान के साथ पहले से चल रहा है, उसके अलावा वियतनाम हो या जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों के साथ चीन कुछ न कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी विस्तारवादी नीतियों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे जा रहा है। लेकिन अब चीन को यह समझना पड़ेगा कि भारत जैसे देश के साथ वो अगर टकराता है तो उसके टुकड़े होना लगभग निश्चित है। भारत में तमाम ऐसे लाल हरे चैनल वाले पत्रकार थे जो ये कहते नजर आ रहे थे कि भारत की जो सरकार है वो चीन के साथ में झड़प का ड्रामा इसलिए कर रही है कि वो भारत की जो असली समस्याएं हैं उनसे भारत के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। रवीश कुमार राजदीप टाइप के लोग ये कहते हुए नजर आते थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे छुटमैये नेता ऐसा कहते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि गलवान घाटी में जो चीन ने किया था उसका जवाब उसे दिया जा चुका है, और 29-30 अगस्त को जो चीन ने करने की कोशिश की है एक तरफा तरीके से गलवान घाटी की LAC के इलाके को
पेगोंगसो झील के दक्षिणी इलाकों में जिस तरीके से बदलने की कोशिश चीन द्वारा की गई, भारतीय सेना ने, भारतीय आर्टिलरी ने उसका सही तरीके से जवाब दे दिया है। भारतीय आर्टिलरी ने काफ़ी ज़्यादा फायर किया, चीनियों को बता दिया कि इस बार केवल हाथों से बात नहीं होगी, केवल गर्दन नहीं तोड़ी जाएगी बल्कि चीनियों को भून दिया जाएगा, गोलों से, मिसाइलों से चीन को सबक सिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में चीन के साथ भारत का जो तनाव है वो बढ़ने वाला है, लेकिन उसमें नुकसान चीन का ही होना है, क्योंकि चीन जानता है अगर इस बार युद्ध हुआ तो भारत अपना अक्साई भारत यानी अक्साई लद्दाख का जो पूरा का पूरा इलाका है उसको चीन से छीन लेगा, और उसी तरीके से जैसे कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को जो भारत लेने की तैयारी कर रहा है, इसी वजह से चीन दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, सीमा के ऊपर विवाद करके वो दुनिया को इस पूरे मामले में खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि जम्मू कश्मीर के जो भी अभिन्न हिस्से रहे हैं उनको अगर किसी देश ने कब्जा कर रखा है, वहां कुछ निर्माण कर रखा है, तो भारत उनको उनसे छीन कर रहेगा। और यही वजह है कि चीन इस तरीके की हरकतें अभी और करेगा। पिछले जब 1962 में युद्ध हुआ था तब भी यही समय था, सितंबर अक्टूबर के टाइम पर ही चीन ने अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाया था, क्योंकि वो जानता था कि भारत की सेनाएं बर्फीले और ठंडे इलाकों में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है। लेकिन अब काफ़ी ज़माना बदल चुका है, भारत की जो माउंटेन कॉर्प है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक पहाड़ों पर लड़ने वाली सेना है, और उसकी तैनाती भी LAC के इलाके में भारत की सरकार पहले ही कर चुकी है। तो इस बार चीनियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।